मिनट विजन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान है, मैं आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये कब भारत आया था, 1946 में आया, ठीक है। कब आया वो? 1946 में आया। ये दिल्ली कब पहुँचे थे? 24 मार्च को पहुँचे थे। और इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत कर दी, यानी कि अपना जो प्लान था जिस प्लान के साथ वो भारत में आए थे, और उन्होंने सभी सभी मुद्दों को देखते हुए जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, पूरा समरी निकाली थी, उसको उन्होंने प्रस्तुत कब किया? 16 मई 1946 को किया। ठीक। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन से संबंधित जो भी प्रावधान हम लोग पढ़ते हैं, वो तो सारे प्रावधानों को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऐसे कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या हुआ था। कि 1945 में ब्रिटेन में क्या हुआ था? आम चुनाव हुआ था, जिसमें मैं आपको बताया था कि लेबर पार्टी क्या बनाई थी? अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। और लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बना था ब्रिटेन का? प्रधानमंत्री एटली, ठीक है, एटली बने थे, क्लीमेंट एटली बने थे। उन्होंने क्या किया था? अपनी चुनावी घोषणा में कहा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो भारत के लिए एक संविधान सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और हुआ भी भाई, उन्होंने धीरे से क्या किया? कैबिनेट मिशन को तुरंत भारत भेज दिया, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंप दी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के समक्ष और सभी भारतीयों के समक्ष कि भाई ऐसा प्लानिंग है हमारा, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि भाई एक संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है भाई। देखो, एक संघ भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों सभी को मिलाकर क्या किया जाएगा? एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। विदेशी मामले, रक्षा, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ये सारे जो क्या नाम है आपका क्षेत्र होंगे, इनकी देखभाल करने और टैक्स लगाने का अधिकार भी होना चाहिए। अब किसको? भारतीय संघ को, ऐसा कहा गया, ठीक। और ये भी कहा गया कि जो भाई ब्रिटिश सरकार होगी सभी के लिए क्या होगे, जो भाई वहाँ चुनाव होंगे वो चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। पहले प्रस्ताव दिया, किसने दिया प्रस्ताव? कैबिनेट मिशन ने दिया कि भाई सभी लोग क्या करेंगे, देशी रियासतों से भी प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे, ठीक है, विधानमंडल में भी ब्रिटिश भारत से भी बुलाए जाएंगे, ठीक। और उन्होंने प्रांतों के लिए भी ये कहा कि सेंट्रल के जो सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी विषयों को छोड़कर, सभी सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट्स को यानी कि प्रांतों को क्या मिलनी चाहिए? ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए डिसीजन लेने की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी यानी कि रेसिडुअरी पावर्स होंगी वो किसके पास समाहित होनी चाहिए? प्रांतों के पास समाहित होनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया। किसमें कहा गया? इस कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ बातें की गई, जैसे 389 सदस्य होंगे कुल, ठीक है, जिनका चुनाव होगा, जिसमें से 296 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे यानी कि ब्रिटिश एरिया से आएंगे, और 93 वो क्षेत्र होंगे जहां से देशी रियासतों के प्रतिनिधि आएंगे, ठीक है। कुल 389 सदस्य यहां पर आएंगे, ऐसा कहा गया, ठीक। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा? हाँ, पर इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि क्रिप्स मिशन की तरह कैबिनेट मिशन ने भी यही प्रावधान दिया कि हम सिर्फ क्या करेंगे, एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, दो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो कांग्रेस ने भाई तो हाँ कह दिया, क्योंकि कांग्रेस ये देख रही थी कि अगर इस बार भी कैबिनेट मिशन वापस चला गया तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा मौका चले जाएगा। इसीलिए कांग्रेस ने क्या कर दिया? उसकी मांगों को स्वीकार कर लिया कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? मना कर दिया। वो मना क्यों कर दिए? क्योंकि उनको दो संविधान सभा चाहिए था कि भारत अलग हो जाए और हम अलग हो जाए, ठीक है। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक और शर्त रखी थी कि अगर हम एक रहते हैं तो भाई मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए, यानी कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे होना चाहते थे, यानी कि उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। पर जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके की दंगे फसाद की स्थिति चल रही थी उस समय, उस हालात में मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाना उचित नहीं था, ठीक। और इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? पृथक मांग की जो मांग रखी थी ब्रिटिशर्स ने, मतलब सॉरी पाकिस्तान ने,
मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने, तो ब्रिटिशर्स ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और इससे नाराज़ हो गया कौन, मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग ने फिर 16 अगस्त 1946 को, डेट याद रखना, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा करी। कब? डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में। किसने घोषणा करी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने, ठीक। क्योंकि देखो 1946 में जैसे कैबिनेट मिशन आती है, तो कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा था कि भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जो बिना चुनाव के होगी, ठीक है। और वो सरकार ही क्या करेगी, भारत की आज़ादी से लेकर संविधान निर्माण तक वो कार्य करेगी, भारत को संभालेगी। और इसको भी मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था कि नहीं भाई, ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है, हमको अलग करो पहले। तो ये सभी कारण थे कि भाई मुस्लिम लीग ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया 1946। इसका मतलब है 16 अगस्त 1946 उन्होंने दिन छोड़ा, और पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया। और इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे, यानी कि कम्युनल राइट्स होने लगे, जगह जगह पर मार काट हिंदू मुस्लिम्स को, मुस्लिम हिंदू को काटने पिटने लगे, ठीक। और यहीं पर मुस्लिम लीग ने नारा दिया था कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, यानी कि वो जान गए कि अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, अब कैबिनेट मिशन भी कांग्रेस की तरफ बात कर रही है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ही हमारे लिए सही है, ठीक है। इसके सबसे ज़्यादा जो असर था वो कलकत्ता में देखने को मिला, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के जो दंगे फसाद थे, ठीक है। इस पूरे नरसंहार को द ग्रेट कैलकटा किलिंग भी कहते हैं, द ग्रेट कैलकटा किलिंग भी कहते हैं, ठीक। अब देखो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुई, उसकी जस्ट बाद क्या होता है, उन 1946 में चुनाव होता है। किसके लिए चुनाव होता है? संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। जिनमें कितने लोगों का चुनाव होना चाहिए था? कुल 389, 389 लोगों का चुनाव होना चाहिए था। तो 1946 में चुनाव हो जाता है भैया वाला, ठीक। और चुनाव के बाद ही क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे अब द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मड इन 1946, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन देखेंगे हम लोग, ठीक है। कि 1946 में चुनाव के आधार पर जो भाई अंतरिम सरकार बनी थी वो क्या थी, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किए, मतलब कौन कौन उसमें से सरकार में शामिल हुए, और कौन कौन नेताओं को कौन कौन सा विभाग मिला, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री कौन बना था, वित्त मंत्री कौन बना था, विदेश मंत्री कौन बना था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सारे तरीके के जो क्वेश्चन है इसके हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे भी, ठीक। तो अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का जो गठन था वो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यानी कि टोटल कितने मिनिस्टर्स लोगों का गठन हुआ था, 12 लोगों का। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आजकल देखो डायरेक्ट डेट पूछता है आपको, तो डेट याद होना चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और कुल कितने लोगों ने क्या क्या ये अंतरिम सरकार में भाग लिया था? 12 लोगों ने लिया था, ठीक। और आपका जून जुलाई के आसपास तो संविधान सभा का क्या हो गया था, निर्माण भी हो गया था, संविधान सभा से रिलेटेड चीजें भी हो गई थी, ठीक। तो ये अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, ये 12 सहयोगी होंगे, ठीक है। हाँ, मतलब जवाहरलाल नेहरू एक हो गए और एक 11 सहयोगी, यानी कि कुल 12 सदस्यीय लोगों का क्या हुआ था, वहां पर अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे 12 सदस्य लोग,
कुल मिलाकर, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक, अब देखो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से सदस्यों ने कौन कौन से विभागों को का दायित्व लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तो प्रधानमंत्री थे, आपको पता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि विदेश विभाग इन्हीं के पास था, राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी मामले थे वो सब यही देख रहे थे। ठीक, होम मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्यादा जो यहाँ टिक कर रहा हूँ उसको ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद याद रखना कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। श्रम मंत्री पूछा जाता है बाबू जगजीवन राम को, श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर दी गई थी लियाकत अली को, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 12 जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इन सभी के नाम आपको याद करने होंगे। बलदेव सिंह क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर जॉन मथाई का थे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री बने थे और बाद में फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं। जगजीवन राम क्या बनते हैं, लेबर मिनिस्टर बनते हैं। और लियाकत अली वित्त मंत्री, इन्हीं पांचों का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, और बाकी आप भी याद करना पड़ेगा कुछ। शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 3 जून 1947 की कहानी, 3 जून 1947 पर। इससे पहले मैं आपको संविधान सभा के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो संविधान सभा के मैं आपके के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो संविधान सभा का तो भाई जो गठन था यानी कि चुनाव था ये हो चुका था, ठीक है। जो अगस्त तक तो भाई पूरे चुनाव खत्म हो गए थे, कुल 389 लोगों का चुनाव हो गया था वहां पर के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जितने भी चुने गए लोग थे, जितने भी चुने गए सदस्य थे किसके, संविधान सभा के, ये सभी लोगों को क्या क्या होना था, मीटिंग होना था। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक होती है 9 जून 1946 को, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक। 9 जून 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक होती है, संविधान सभा की बैठक आयोजित की जाती है, ठीक। और इसी दिन क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, अंतरिम अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक। इसके बाद 11 जून 1946 को, ठीक है, सदन में मत कराकर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, किसके, संविधान सभा के चेयरमैन के रूप में। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, किसके, संविधान सभा के, ठीक। इसके बाद सॉरी इसको आप लोग दिसंबर कर लो, ठीक। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को
1946 को अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया, जो आज का हमारा प्रियम्बल कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किया, संविधान सभा के सामने क्या किया, रखा। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, यानी कि समझ लो एक एक समरी था कि भारत का संविधान कैसा होगा, उसका एक समरी था। ठीक है, कि हम क्या क्या भाई अपने नागरिकों को देना चाहते हैं, हम अपना कैसा चाहते हैं कि कैसा संविधान बने, तो सभी का एक समरी दिया गया। जो आज का हमारा प्रस्तावना है ना, वही क्या था? आपका उद्देशिका प्रस्ताव था। ये किसने रिप्रेजेंट किया था, इसको किसने प्रेजेंट किया था संविधान सभा के सामने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 22 जनवरी अगले साल 1947 को, ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या हो जाता है? पारित हो जाता है संविधान सभा में। तो आपसे पूछ सकता है कि उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पार्लियामेंट द्वारा, सॉरी संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को। और इसके बाद संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये संविधान सभा के बारे में थोड़ा था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुल लोगों का चुनाव कितना हुआ था। ठीक है, कुल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, जिसमें जो पाकिस्तान के समर्थक यानी कि पाकिस्तान में जाने की मांग को लेकर जो समर्थन कर रहे थे वो कितने थे? 65 थे। और पहली बैठक में ये 65 लोगों ने भाग नहीं लिया था। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो ये 65 मेंबर्स कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान चले जाते हैं। और इस प्रकार भारत का संविधान लिखने में 1947 से कुल कितने भारतीयों ने क्या नहीं मैं अपनी सहभागिता दी थी? तो 324 लोगों ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने सदस्य संविधान सभा के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य पाकिस्तान में हस्तांतरित हो गए यानी कि चले गए, या भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो 324 सदस्य रह गए। 65 सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब हम लोग देखते हैं क्या 3 जून की कहानी, यानी कि 3 जून की कहानी मतलब इसको बोलते हैं हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए 3 जून का जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि 3 जून को क्या हुआ था? तो 3 जून 1947 को ठीक है 3 जून 1947 को क्या हुआ? तो देखो 3 जून 1947 को क्या होता है, मतलब 3 जून से हम लोग पहले बात करते हैं। ठीक, 24 मार्च 1947 को ठीक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइस रॉय बनकर आते हैं। भारत के ये है माउंटबेटन। ठीक है, तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं? भारत के अंतिम वाइस रॉय बनकर भारत आते हैं। ठीक है, और उनका सिर्फ एकमात्र काम के कारण वो जाने जाते हैं, क्या था वो? भारत का विभाजन। ठीक है, तो 3 जून 1947 को तत्कालीन वाइस रॉय, ठीक है, लास्ट वाइस रॉय भी यही है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही बनते हैं। 3 जून 1947 को भारत का 2 टुकड़ा करने का ऐलान कर दिया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और साथ ही साथ जो रियासत थे उनको स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई कि भाई आपको अगर भारत में रहना है तो रहो, नहीं तो अलग से देश बन जाओ। और यही वाला जो डिसीजन था उसी से कश्मीर का जो विवाद था वो शुरू हो जाता है।
ठीक है, यहीं से कश्मीर गई, क्योंकि भाई बहुत सारे देसी रियासत क्या करते हैं, जैसे भाई आपके पहले तो आप समझ लो मेघालय भी हमसे अलग हो गया था, सिक्किम भी अलग हो गया था एक समय में, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ भी बोलते थे, जूनागढ़ भी बोलता था देसी रियासत की हम भाई पाकिस्तान से शामिल होना चाहते हैं, कश्मीर बोलता था हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, हम अलग से देश बनेंगे, ऐसा कहते थे, ठीक है। और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन का प्लान तैयार हुआ, जिसमें यह कहा गया कि जो भाई पश्चिमी क्षेत्र होगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ वेस्ट एरिया होगा, तो वो क्या है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो क्या है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया है, तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र होगा इसको हम पाकिस्तान कहेंगे, ठीक। और उत्तरी तरफ ये जो क्षेत्र है ये भी क्या है, आपका मुस्लिम बहुल राज्य है, तो भाई ये भी क्या होगा, पूर्वी पाकिस्तान होगा, क्योंकि मुस्लिम्स कहते थे, यानी कि जो मुस्लिम लीग था वो ये कहता था कि जब पाकिस्तान कौन सा क्षेत्र होगा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पर देखो यहाँ पर कहानी क्या थी कि जम्मू कश्मीर था ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, बट इसने तो कहा था ना कि ना तो मैं पाकिस्तान साथ जाना चाहता हूँ ना तो भारत के साथ, भारत ने ओके कह दिया था, पर पाकिस्तान कहता था क्या कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो हमारे ही होकर रहेंगे, तो भाई सामने वाले को भी ऑटोनॉमी दी गई थी कि तुम चूज करो, ठीक है, यही क्या हो गया, विवाद का कारण बन गया और आज तक बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस योजना में यानी कि माउंटबेटन प्लान में एक और योजना थी, इसमें यह कहा गया कि एक समिति का गठन किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे सीमा आयोग कहा जाएगा, बॉर्डर कमीशन, ठीक है, और रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया, ये माउंटबेटन प्लान का ही हिस्सा था कि रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था, इनका काम इतना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करना, ठीक। और 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने क्या किया, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी, कब, 26 जुलाई 1946, अब देखते हैं हम लोग भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखेंगे, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखते हैं कि क्या था और ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या चीजें थी इसमें आपको ये देखना, तो देखो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को क्या कर दी थी भाई, दोनों की सहमति के बाद क्या कर दिया था, पारित करवा दिया था कि भाई हाँ कर दो। अब इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश संसद थी उसमें 4 जुलाई ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम पारित किया गया, सॉरी प्रस्तुत किया गया, 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया, कहां पर किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और ये जो बिल था ये पारित कब होता है, 18 जुलाई 1947 को होता है, यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से स्वीकृति मिल गई कि हाँ भाई अब भारत और पाकिस्तान दो देश क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, और इसी के साथ भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल का जो पोस्ट था इसका पद भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो देशी रियासतों पर ब्रिटिशर्स का जो भाई उनका प्रभुत्व बना हुआ था वो भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार 14 अगस्त 1947 की रात को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण होता है, ठीक है, क्लियर है। और इस प्रकार से भारत को क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है, ठीक।
अब इस ये जो प्रावधान थे यानी कि माउंटबेटन योजना थी, इसमें और क्या क्या भाई आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या और प्रावधान थे। ठीक है, तो भाई 15 अगस्त 1947 का भारत एक अलग से स्टेटस बन जाएगा, यानी कि अलग से दो स्टेट्स बन जाएंगे यानी कि देश बन जाएंगे। ठीक है, बंगाल और पंजाब के दो प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए, कि भाई सभी जो क्या हो जाएंगे, भारत के हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जितना पाकिस्तान को देना है पाकिस्तान का, बाकी जितना बचा सब भारत होगा, ऐसा कहा गया। जो ईस्ट बंगाल था, वेस्ट पंजाब था, सिंध, असम का जो सिलहट जिला था, वो क्या हो गया, पाकिस्तान में सम्मिलित होना था, यानी कि पाकिस्तान में उसको क्या करना था, जाना था। और हर एक डोमिनेंट स्टेटस के लिए क्या होगा, एक गवर्नर जनरल का पोस्ट होगा, ऐसा भी कहा गया। इसीलिए जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद होती है तो इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। तो एग्जाम में पूछता है इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। जबकि अगर अगर ये आपसे ये पूछे इंडिपेंडेंट इंडिया सॉरी इंडिया इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, यानी कि सबसे पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत में, वो कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। ये दोनों आंसर ध्यान, और इस प्रकार से भारत क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ठीक, इसके बाद एक एक टॉपिक और है आपको, एक टॉपिक यहाँ पर मैं और बता देता हूँ आपको छोटा सा। ठीक, पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है, तो पाकिस्तान का निर्माण कब होता है, 14 अगस्त 1947 को होता है। ठीक, और इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। इनको कायदे आजम की उपाधि मिली हुई थी, और ये उपाधि कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, कायदे आजम। ठीक, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं पाकिस्तान के, लियाकत अली बनते हैं। लियाकत अली क्या बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो याद रखना, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल भी इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, और पंजाब का जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो भी शामिल हुआ था। ठीक है, इसमें शामिल हुआ। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता का जो